नमस्कार, खबर भारत की इस विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बीमा नहीं तो वोट नहीं। जी हां, ग्राम रतवाड़ा में बहिष्कार की एक बार फिर से चेतावनी हुई। बीमा नहीं तो वोट नहीं के सुनाई देने लग गए हैं अब सुर। चुनाव बहिष्कार करने की उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी दी। बता दें कि प्रशासन के भेदभावपूर्ण रवैये से असंतुष्ट किसान भाइयों ने ये निर्णय लिया है कि ग्राम रतवाड़ा में कोई भी राजनीतिक दल वोट के लिए ग्राम में प्रवेश नहीं करेगा। ग्राम रतवाड़ा के सभी निवारी संगठित होकर प्रत्येक संवैधानिक और असंवैधानिक चुनावों का बहिष्कार करते हैं। ये एक बैनर पर लिखे शब्द हैं। होशंगाबाद जिले के ग्राम रतवाड़ा में किसानों को बीमा न मिलने से नाराज किसानों ने सड़क पर इस बैनर को लगाया है। बीमा नहीं तो वोट नहीं। कोई भी राजनीतिक दल ग्राम में राजनीतिक दल प्रवेश ना करे और वोट का बहिष्कार करेंगे, ये बात किसान भाइयों ने कही। पहले भी इस गांव से राजनीतिक दलों के बहिष्कार के सुर सुनाई दी थे। आइए सबसे पहले जानते हैं उन किसानों की बातें। हमारे को जो बीमा राशि अभी गवर्नमेंट ने दी है उस राशि से हमको वंचित रख दिया गया है और हमको बहुत कम राशि दी है। हमारे प्रीमियम जो कटा है उससे भी हमको कम राशि मिली है, तो इससे मतलब क्या है बीमा से? हम किसानों ने एकता करके उसको वोट जो चुनाव का आने वाले चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। और कुछ उच्च अधिकारियों को सूचित किया है? हाँ, हमने कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया है जी में, और तहसील में भी दिया है। हमने ये मांग की है कि हमारे पास के ग्रामों में जो बीमा राशि मिली है उस आधार पर हमको भी मिली जाए, और बहुत कम राशि मिली है, इसमें हमारा प्रीमियम ही नहीं निकल पा रहा। सोसाइटी का भी कोई हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं आया कि भैया तुमको कितना मिला है। 2019 और 20 का जो बीमा राशि थी, चूँकि हम लोगों को बीमा से वंचित रखा गया, जिसमें हमारा ग्राम रतवाड़ा इसी पंचायत में हमारा ग्राम सोनखेड़ी भी आता है, तो हमारे ग्राम के साइड में जिन किसानों को बीमा मिला है काफ़ी अच्छी राशि उनको मिली है, और हम लोगों को कहीं ना कहीं ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात सामने आई है। बीमा की उचित राशि नहीं दी गई ग्राम रतवाड़ा, और वो भी बैंकों के आधार पर नहीं दी गई। अभी अदर बैंकों में राशि पूरी दी, जैसे बैंक ऑफ इंडिया ने पूरी राशि दी, पंजाब एंड सिंध बैंक में बिल्कुल नहीं मिली। बैंक ऑफ इंडिया ने पूरी राशि दी, यानी ये बैंकों का सिस्टम है। और हमने नगद बीमा कराया था 2020 में, खरीफ फसल में नगद बीमा कराया था, 4500 रुपये प्रीमियम जमा करी, और यही रतवाड़ा का अदर बैंक में ज्यादा आया। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से अपनी परेशानी को बयां कर रहे हैं ये किसान भाई। उन्होंने साफ बोल दिया कि अगर बीमा नहीं तो वोट नहीं होगा, यानी किसी भी जन प्रतिनिधि को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। और इससे पहले भी विरोध के सुर सुनाई दिए थे कि जिस तरह से पहले भी उन्होंने इस तरह की बहिष्कार किया था, अगर मांगे नहीं मानी गई तो उन्होंने कहा था कि कोई भी जनप्रतिनिधि वोट के लिए गाँव में नहीं घुस पाएगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता खबर भारत के लिए धीरज शर्मा, ये खास बातचीत करेंगे। धीरज, जिस तरह से किसानों की परेशानी सामने आई, जब परेशानी हद से बढ़ जाती है, यानी पानी सर से जब ऊपर निकल जाता है, तो एक बार फिर से बहिष्कार की बात कही जा रही है। इससे पहले भी ये बातें आई थी सामने, तो हम थोड़ा पिछले चीजों को भी उठाते हुए बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पहले भी इस तरह के बहिष्कार की बात की जा चुकी है गांव में। जी मैडम, ऐसा पहले भी हो चुका है। मैडम क्या है कि किसान बहुत ज्यादा परेशान है, हमेशा हर चीज में यही प्रॉब्लम आती है मैडम। बिल्कुल धीरज, क्या कहना है किसान भाइयों की? हमने बातें तो सुनी, उन्होंने कहा कि ये बैंकों की गड़बड़ी है दरअसल, क्योंकि कुछ किसान भाइयों की हम बात सुन रहे थे, दर्शकों ने भी इस वक्त लाइव सुन रहे हैं हम इस खबर पर, हमारे दर्शक भी जुड़े हुए हैं, और ये कहना था कुछ किसान भाइयों का कि पास के गांवों को राशि मिली और अच्छी खासी राशि दी गई है, यानी कि क्या रतवाड़ा से कुछ, अगर हम जिस इस गाँव की अगर हम बात करना चाहें, जो ग्राम पंचायत रतवाड़ा की बात करें, कुछ खास परेशानी है क्या बैंक वालों को या जनप्रतिनिधियों को कि इनकी समस्याओं का कभी निवारण ही नहीं हो पाता? मैडम हम गए थे तो मतलब किसान ज्यादा परेशान थे, और हमने ये भी बोला था कि हमको राशि नहीं मिलाएगी तो हम आंदोलन किया जाएगा। किस तरह का आंदोलन किया जाएगा इस बार? अब मैडम क्या करेंगे ये लोग? मैडम जैसे राशि नहीं मिल पाएगी तो इसलिए इसका आंदोलन किया जाएगा। किसान जो हमने पूछा था कि हमको हर गांव में पूरी राशि मिल जा रही है, हमको एक गांव में रतवाड़ा क्षेत्र में हमने पूछा है कि मिल नहीं पा रहा है, जो हमने उनसे सवाल जवाब पूछा था मैडम कि हमको
बहुत कम राशि डाली गई है। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज। अब हम आपको बीच में फिर से जोड़ेंगे, लेकिन हम फिलहाल किसान भाइयों से जरूर बात करना चाहेंगे। हमारी टीम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है कुछ किसान भाइयों से, तो हम उनसे जरूर जानना चाहेंगे कि वो अपनी परेशानी खुद एक बार फिर से दोहरा दें खबर भारत के इस खबर के माध्यम से। जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं किसानों की, तो हमारे साथ एक किसान भाई जुड़ चुके हैं, राघवेंद्र सिंह उनका नाम है। बहुत बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी। जी राघवेंद्र जी, जी आपके इस रतवाड़ा की हम खबर को चला रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों ने एक बार फिर से बहिष्कार किया है, अपने गांव का नाम दोहराइए और बताइए आपकी क्या परेशानी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस रिपोर्ट के माध्यम से आप सरकार तक अपनी बात को पहुंचाइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बीमा राशि में विसंगतियां हमारे ग्राम के साथ हुई, लगभग मेरे ग्राम से लगे सटे हुए ग्राम दूसरे ग्रामों में जितना बीमा आया है उसको कहीं देखते हुए मेरे ग्राम में 200 रुपए से 1000 रुपए एकड़ के हिसाब से बीमा आया है। ठीक, मतलब बीमा राशि का प्रीमियम हम सब लोगों ने जमा भी किया, इसके बाद यहाँ की जो आनाबाजी रिपोर्ट थी वो भी सही गई पटवारी के द्वारा, उसके बाद जो थे उनके द्वारा भी रिपोर्ट सही गई। इसके बावजूद हम लोगों का मतलब बीमा ऐसा क्यों हुआ? बिल्कुल, यानी सीधी सी जी राघवेंद्र जी, मैं दोहराती हूँ अपने तरीके से, दर्शकों को बता देते हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि बीमा राहत की राशि जो है वो पूरे प्रदेश में सबसे कम 200 से 1000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सभी किसानों को मिली है, जबकि अन्य गांवों की अगर बात की जाए तो अन्य गांवों में बीमा की राशि 5000 से 5500 रुपए प्रति एकड़ की दर से दी गई है। जी, क्या कहना है? अगर आपने कलेक्टर के पास आवेदन लगाया, कलेक्टर साहब ने क्या जवाब दिया? देखिए, वो उस दिन हम लोगों ने सुनवाई में कतर मोहल्ले जी को आवेदन दी। ठीक, अब देखते हैं क्या क्या हल निकलता है। कितना लंबा समय हो चुका है आवेदन दिया हुआ? हमको 3 दिन हुआ है। 3 दिन से आपने आवेदन दे के रखा हुआ है और आप लगातार बहिष्कार की बात कहते चले आ रहे हैं, चेतावनी आप दे रहे हैं लगातार सरकार जनप्रतिनिधियों को दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई आपसे मिलने आया इन 3 दिनों के दौरान? जी नहीं, कोई मिलने नहीं आया। कोई मिलने नहीं आया, आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। कितने लोग होंगे इस जी जी राघवेंद्र जी? हमारे जितने जो गांव के जो किसान हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक किसान का भी अगर ज्यादा आता तो हमें ऐसा लगता है यार चलो उस आदमी का आया, मगर सभी का लगभग ऐसे ही आया, किसी का 200 रुपए एकड़ के हिसाब से आया। अब आप मुझे बताइए, एक किसान की 20 एकड़ की केसीसी है, उसकी हाँ। केसीसी में सिर्फ 5700 रुपए बीमा आया। अब आप उसका एवरेज लगाइए, क्या हिसाब से ये कोई बीमा आता है क्या ऐसा? बिल्कुल सही। इसके पहले भी आप लोगों ने बहिष्कार किया था इस तरह का कि वोट नहीं देंगे, ये परेशानियों का हल अगर नहीं निकलेगा, उसके बारे में भी बताइए दर्शकों को कि इससे पहले भी आपकी परेशानियां थी और अब परेशानियां कम नहीं हुई, बढ़ रही है, इसलिए एक बार फिर से किसान भाइयों ने बहिष्कार किया है वोट का। जी 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 बिल्कुल। मैं आपको एक बार बताऊं। जी हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेम शंकर वर्मा जी, विधायक राघवेंद्र जी, आप बने रहिएगा, आपकी समस्या हम सीधे विधायक साहब को सुनवाएंगे। प्रेम शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बोलिए बहन जी, बोलिए जी। प्रेम शंकर जी बताइए, क्यों नहीं हो पा रहा है? रतवाड़ा जी के जो किसान भाई हैं अपनी समस्या रख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राघवेंद्र सिंह जी, किसान भाई अपनी समस्या रख रहे थे हमारे सामने, क्या कारण हो सकता है? ऐसे तो फिर आप लोगों का जाना बंद हो जाएगा वहां पर सर। नहीं, आप ऐसे कैसे कह रही हैं कि क्या कारण हो सकता है? नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, किसान भाई कह रहे हैं, किसान भाई कह रहे हैं, वोट बैनर लगा दिया है विधायक साहब, बैनर लगा दिया है। मुझे तो नहीं दिख रहा बैनर, किसान हम दिखा रहे हैं, आप लाइव चलिए हमारे साथ, आप टीवी ऑन कर लीजिए, लाइव 365 लगाइए डिजियाना पे, नहीं तो यूट्यूब पे लाइव हो जाइए। किसान भाइयों को मेरे पास भेजिए, पहली बार इतनी ज्यादा। राघवेंद्र जी आप सुन रहे हैं इनकी बातों को? मेरी बात तो सुने ना। हाँ हाँ बोलिए, मेरी बात सुनना चाहते हैं, मेरी बात तो सुने। हाँ बोलिए। किसी मुख्यमंत्री जी ने इतना खरीफ का और रबी का दोनों का फसल बीमा यहाँ पे भेजा है और पूरे जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में 700 जी। प्रेम शंकर जी, 7600 करोड़ का बीमा,
इतनी बड़ी बीमा की राशि मिल रही, कुछ विसंगतियाँ होंगी, कई सोसाइटियों में मतलब किसानों के पैसे डिफॉल्टर हैं तो उनके पैसे जमा करने के लिए बोल रहे होंगे, कुछ समस्या कुछ किसानों की हो। हाँ, किसानों की समस्या को सुन लेते हैं। राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए, प्रेमशंकर जी, किसी किसान की समस्या हो सकती है, उनके उनके पैसे उन्हें जमा नहीं किए होंगे, मतलब पैसे सोसाइटियों में डिफॉल्टर होंगे, तो उनसे निवेदन किया गया होगा कि आप बीमा की। प्रेमशंकर जी, मैं चाहूंगी मेरी टीम को आवाज तेज की जाए इसकी, टीवी की। और हमारे साथ राघवेंद्र जी जुड़े हुए हैं, किसान भाई है प्रेमशंकर जी, आप उनकी बात को भी सुनिए। जी राघवेंद्र जी, हाँ बताइए राघवेंद्र जी, विधायक साहब जुड़े हुए हैं। सवाल है विधायक महोदय जी से हमारे आदरणीय, रखिए रखिए सवाल रखिए। मैं उनसे एक ही बात कह रहा था, राघवेंद्र जी कहाँ के रहने वाले, रतवाड़ा के? जी जी जी, बोलिए बताइए। महोदय जी, मैं एक निवेदन कर रहा था कि आया है वो, जैसे हमारे यहाँ के किसान है उनका 20 एकड़ में 5700 रुपए बीमा है, बीमा राशि में त्रुटि हुई है, हम लोगों का जी बोलिए, हम लोगों का प्रीमियम भी जमा हुआ और बीमा राशि में यहाँ आई गई है, आपके गांव मंदिरा में मतलब 10 या 11 हजार रुपए एकड़ के हिसाब से किसान को बीमाया है, तो यहाँ मतलब ऐसा क्यों हुआ, मतलब समझ नहीं आ रहा। हाँ बताइए विधायक साहब, राघवेंद्र जी को संतोषजनक जवाब देंगे अपन। जवाब दे रहा हूँ जी, बीमा की इतनी बड़ी राशि है, इतने किसान है, बीमा राशि के वितरण में या कहीं कोई त्रुटि हो सकती है, कुछ विसंगतियाँ हो सकती है, तो आपने ये विसंगतियों को सुधारने के लिए कलेक्टर से या स्थानीय विधायक से या मंत्री से किसी से बोला है क्या? मुझे तो आज तक राघवेंद्र जी नहीं मिले, बताए आपकी क्या त्रुटियाँ है, क्या विसंगतियाँ है। आप लोग में आप वो मतलब समस्या जिसकी, राघवेंद्र जी मैं बात करना चाहूंगी विधायक साहब से, विधायक साहब जिसकी समस्या है वही आपके पास आए, क्या जनप्रतिनिधि चलकर नहीं जा सकते उनकी समस्याओं के लिए? तो मुझे पता लगेगा जब, तो मैं जाऊंगा कि कौन सर वोट मांगने के लिए थोड़ी ना पता करना होता है कि हम जाएंगे कि नहीं, आप बहिष्कार कर दिया, आप बताइए आप कैसे जा पाएंगे सभी लोग? सबका ध्यान रखना पड़ता है तभी तो सभी लोग मिलकर विधायक चुनते हैं, अपनी समस्याएं जनप्रतिनिधि को इसलिए बताई जाती है कि जनप्रतिनिधि से उम्मीद जताते हैं। 3 दिन से कलेक्टर साहब के पास आवेदन पड़ा हुआ है, प्रेमशंकर जी सुनने की भी आदत बनाएंगे, एक अच्छा श्रोता ही समस्याओं का समाधान कर सकता है, बताइए प्रेमशंकर जी, कलेक्टर साहब सुनिए मेरी बात, 3 दिन से कलेक्टर साहब के पास आवेदन पड़ा हुआ है, तीन दिन से आवेदन पड़ा लेकिन कोई भी उनकी समस्या सुनने के लिए नहीं आया प्रेमशंकर जी। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, दूसरी बार बहिष्कार की बात की जा रही, इससे पहले भी गांव वालों ने ऐसा किया है, क्या आपने पहली बार जाकर सुनिश्चित नहीं किया था? बताइए राघवेंद्र जी, ये कौन सी बार बहिष्कार कर रहे हैं आप इनका? मैम जी, पहले तो माननीय महोदय जी, हमारे विधायक महोदय जी को अवगत करा देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने, हम सभी ग्रामीण राम के जैसे खान हुए, हम लोगों सभी ने मिलकर कलेक्टर महोदय जी को दिया है और हम लोग 3 दिन पहले वहाँ गए थे, जिसकी पावती भी हमारे पास रखी हुई है जी, और आप कह रहे हैं आपके पास जानकारी ही नहीं है। तो मेरे पास जानकारी थोड़ी है, आप पूछे, मुझे दी क्या इन्होंने कोई ऐसा आवेदन जो कलेक्टर को? अरे सबके घरों में जाके कान में थोड़ी बोला जाता है सर, जनप्रतिनिधियों को तो ये भनक लग ही जाती है कि कहाँ क्या हो रहा है। नहीं नहीं, आप निष्पक्ष बात करिए, आप राघवेंद्र जी आप इनको बताइए कि इससे पहले भी कभी बहिष्कार किया है आप लोगों ने, आपके ग्राम ने, बताइए राघवेंद्र जी, रुक जाइए विधायक साहब रुक जाइए, उनकी समस्या सुनेंगे हम, अब आपको मौका मिल रहा है समस्या सुनने का, अपन सुन लेते हैं उनकी समस्या। जी किसान साहब बताइए राघवेंद्र जी। मैम मेरा एक ही कहना है, मैं मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि हम लोगों का जो बीमा की राशि हमें जो मिल रही वो हमें मिल जाए,
कोई दिक्कत नहीं। तो बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, मिल जाएगी वो बोल रहे हैं, फिर बहिष्कार क्यों? अगर बहिष्कार कर रहे हैं तो अपनी बात को मजबूती के साथ रखिए राघवेंद्र जी। आपने इससे आपके गांव वालों ने पहले भी बहिष्कार किया था, हम सब आपके साथ हैं, तो फिर अपनी बात को आपको रखना पड़ेगा। आपको ये मौका मिलता है, खबर भारत ने मौका दिया कि आप अपनी बात पहुंचा सके विधायक साहब के पास। जी 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 बिल्कुल, हम विधायक महोदय जी से भी लगभग आज मिल लेंगे और उसके बाद मतलब अब अभी हम विधायक महोदय जी से इसलिए नहीं मिले क्योंकि हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, अभी 3 दिन हुआ है, अब हम देख रहे हैं कि शायद। तो 3 दिन में आपने बैनर क्यों तैयार कर लिया ये बताइए, आपने फिर इंतजार क्यों नहीं किया? बैनर आपने तैयार किया जिसमें आप साफ लिख रहे हैं बीमा नहीं तो वोट नहीं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? प्रेम शंकर जी, इसका मतलब क्या निकाला जाएगा कि बीमा नहीं तो वोट नहीं, सीधे सीधे बहिष्कार की चेतावनी बैनर हम दिखा रहे हैं इस वक्त दर्शकों को। ये वही बता सकते हैं जी जिन्होंने इस प्रकार का बैनर लगाया है। बिल्कुल राघवेंद्र जी, आप स्पष्टीकरण दीजिए विधायक साहब को अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो, नहीं तो विधायक साहब स्पष्टीकरण देंगे आपको, पहले आप अपनी बात रखिए उनके सामने। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन विधायक साहब एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि इससे पहले जब समस्या आई थी तब आपके संज्ञान में मामला आया होगा, मैं बहुत दूसरी बार ये बहिष्कार की बात की जा रही है लगातार अगर मेरे सामने इस प्रकार की कोई बातें नहीं आई है। राघवेंद्र जी बताइए इनको इससे पहले कब बहिष्कार की बात कही थी आप लोगों ने? सवाल ये है कि जो बीमा राशि तय की जाती है तो कहां कहां कितना नुकसान हुआ है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नुकसान होता है तो उसके हिसाब से कम ज्यादा भी होती है, जहाँ कम नुकसान हुआ उनको बीमा राशि कम मिलती है, जहाँ ज्यादा नुकसान हुआ उनको बीमा राशि ज्यादा होती है, की जाती है। बताइए राघवेंद्र जी, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया प्रेम शंकर जी ने, अब आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। मेरा ये कहना है कि जब गांव के हल्का नंबर के जो पटवारी के द्वारा जो अनमाची रिपोर्ट रही है, पटवारी महोदय जी से मिले, पटवारी महोदय जी की जब आपने 90% हम लोगों का बीमा क्यों नहीं, पटवारी ने साफ मना कर साफ हमको बोल दिया कि मेरे द्वारा यहाँ से ये देख लीजिए यहाँ से जो लिखा हुआ है ये गया है ऊपर तक और आप तो कलेक्टर महोदय जी के पास जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी बताइए, जाके हम सब लोग मैं एक अकेले में जो जितने हम के जो जितने भी किसान है सब लोगों ने मिलकर बैठ के हम लोगों ने कलेक्टर जी को ज्ञापन दिया। उनका क्या जवाब था? देखिए मैम, जन सुनवाई मंगल दिन थी और मंगलवार के दिन हम लोग जन सुनवाई में गए थे, वो कलेक्टर महोदय जी को हमने ज्ञापन दिया। कलेक्टर महोदय ने कुछ तो बोला होगा कि मैं इस पे विचार करूंगा, इसकी समीक्षा करूंगा, कुछ तो बोला होगा। जी राघवेंद्र जी बताइए प्रेम शंकर जी को, ज्ञापन देने के साथ साथ आपने कुछ मौखिक बात भी तो की होगी कि हमारी ये समस्याएं ज्ञापन दे रहे हैं इस पे आप क्या निर्णय लेने जा रहे हैं, आपने कुछ तो उनसे कलेक्टर से निवेदन किया होगा। महोदय जी कलेक्टर साहब ने हमारा ज्ञापन को बकायदा स्वीकार किया है और हम लोगों ने जब सुनवाई के दिन उस दिन बहुत ज्यादा उसके बाद जन सुनवाई हमने देखा कि बहुत सारे लोगों के पास भीड़ लगी हुई थी तो अपना ज्ञापन देके उस पावती लेके आए। मुझे लगता है प्रेम शंकर जी थोड़ी बात भी करना था, केवल मतलब ज्ञापन देने का फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहिए। अब एक सवाल मेरा आपसे प्रेम शंकर जी, अब आप मुझे ध्यान से सुन लीजिए, एक सवाल का जवाब आपसे लेती हूँ। जिस गांव की हम बात कर रहे हैं वो आपके यहाँ से कितनी दूरी पर है आपको पता है? हाँ, मेरे यहाँ से 4-5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, आपको पता है इस बात का अंदाजा है आपको कि मात्र 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है वो गाँव और आप कह रहे हैं आपको पता ही नहीं है। तो पता कैसे होगा बहन जी,
सर आप सर एक बात बताइए, वोट मांगने के लिए तो दूर दूर से आते हैं जनप्रतिनिधि, और समस्या जानने के लिए 5 किलोमीटर नहीं चल सकते, और वो समस्या जो मीडिया तक पहुंच जाती है, दूर दराज के मीडिया तक। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मीडिया में भी कहीं कुछ नहीं आया, इन्होंने मुझे ज्ञापन, आप हम भी मीडिया का हिस्सा ही है सर, खबर भारत से चर्चा कर रहे हैं, आपको तो पता होगा, इस वक्त पूरी जनता आपको लाइव सुन रही है, पूरी जनता आपको लाइव सुन रही है विधायक साहब। इनसे इनसे पूछिए कि ये 4 किलोमीटर दूर मुझे मुझे इस बात की खबर करने के लिए ये आपसे ये आपको वोट देने के लिए घर नहीं आते हैं, आप इनसे वोट मांगने के लिए इनके गांव जाते हैं, ये नहीं आएंगे आपके पास अपनी समस्या, लेकिन उन्होंने ज्ञापन दे दिया 3 दिन पहले, ज्ञापन मिल गया मतलब 3 दिन से खबर चर्चा में है, आपके घर में भी टीवी चलती होगी, अखबार आता होगा। मुझे ज्ञापन नहीं दिया, आप भी सुन ले, मुझे ज्ञापन नहीं दिया है इन्होंने, आपके आपके यहाँ ज्ञापन लेकर जाने की बात ही नहीं की हमने, मुझे कोई ज्ञापन नहीं दिया है सर, मैं उस 5 किलोमीटर की दूरी का रास्ता नापने की बात कर रही हूँ, जहां चलकर हम वोट मांगने के लिए जाते हैं, आपके बिहाफ में बोला मैंने ये। तो क्या मैं हर 5 किलोमीटर जाके पूछूंगा कि भैया मुआवजा किस किस को मिला, तो ठीक है फिर वोट मांगने भी नहीं जाएंगे, फिर तो उन्होंने बहिष्कार कर ही दिया है आप लोगों का, उन्होंने तो लिखा है कि बीमा की राशि नहीं तो वोट नहीं, लिख दिया उन्होंने, फिर बहिष्कार का भी हमें नहीं मालूम है कि उन्होंने, हम बता रहे हैं आपको, बैनर चला रहे हैं हम यहाँ पे, पूरी जनता आपको सुन भी रही है और बैनर भी देख पा रही है, इस खबर को अच्छी तरह से चलाया जा रहा है खबर भारत में, और जिसका असर क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप ऐसा कुछ बोलिए ताकि किसान भाइयों को संतुष्टि हो कि आप उनके साथ खड़े हैं, नहीं तो बहिष्कार की चेतावनी तो दे चुके हैं वो। की समस्या को ध्यान में रखते हुए ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7,600 करोड़ की राशि पूरे मध्य प्रदेश में वितरित, उस राशि का वितरण कैसे किया जा रहा है मुद्दा ये है। सुनिए आप पूरी जी बताइए, मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं आप? क्योंकि आप सीधे सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहे सर, इतना समय नहीं होता कि हम घूम फिर के आपसे जवाब लें। सोच रखा है कि हमें यही बोलना है, आपने पहले सोच रखा है क्या? पहले प्रेम शंकर जी देखिए, प्रेम शंकर जी मुझ पर चिल्लाकर कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ हासिल नहीं होगा, किसान भाई आपको सुन रहे हैं यहाँ पर, चलिए जवाब दीजिए आप, चलिए कम शब्दों में जवाब दे दीजिए, कम शब्दों में जवाब दीजिए प्रेम शंकर जी, कम शब्दों में जवाब दीजिए, नहीं तो मैं अपनी टीम को कहूंगी हमें इनसे जवाब नहीं चाहिए। विधायक साहब बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चाहूंगी हमारी टीम से हमें इनका जवाब नहीं चाहिए, आप इनको काट दीजिए, मुझे बिल्कुल जवाब नहीं चाहिए। राघवेंद्र जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी जब विधायक साहब जुड़े हुए थे उन्होंने आपसे 2-3 बार सवाल रखे कि आप उन तक नहीं पहुंचे, क्या हमने किसी जनप्रतिनिधि तक आपने अपनी बात पहुंचाई कलेक्टर के पास ज्ञापन देने के बावजूद? कहां कहां आपने आवेदन दिए इन 3 दिनों में? आपने सीधे बहिष्कार की चेतावनी किस आधार पर दी होगी ये भी बताइए। तो कुल मिला के जितने हम थे आक्रोशित होने के बाद लोग ने कहीं ना कहीं सारे किसानों को ऐसा लगा कि हम लोगों को बीमा नहीं मिल पा रहा, मतलब हताश होके, और फिर ये निर्णय ले लिया। एक बात बताइए राघवेंद्र जी, जब आपने इतना बड़ा बड़ा बैनर लगाया है, बहिष्कार की चेतावनी दी है आपने, ये जो सुर यहाँ भले ही विधायक साहब के कानों तक नहीं पहुंचे लेकिन पूरी मीडिया में ये चल रही है खबर, हम इस खबर को प्रमुखता से उठाकर आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं ताकि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आपकी बात सीधे जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं, आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं किसान भाइयों से, ये जरूर एक शिकायत रहेगी हम लोगों की, जब आपको मौका मिलता है जनप्रतिनिधियों से बात करने का आप निडर होकर अपनी बात रखिए, निडर होकर उनसे सवाल रखिए, उनसे जवाब मांगिए अपने सवालों के। जी राघवेंद्र जी, जी जी मैम जी मैम जी ये था, हम लोगों ने अपनी हम क्यों परेशान है, हम किसी से कोई मतलब नहीं है, हम मान लो हमारे विधायक महोदय जी, हमें क्या करना, हम तो अपना हक मांग रहे हैं। बिल्कुल सही, किसी को किसी मतलब ये तो कह रहे हैं कि आप दो या आप दो।
क्या इन्होंने एक बार भी नहीं आई है आपके गांव में? 5 किलोमीटर चलकर उन्होंने बीच में आकर, जब आपने, मैंने आपसे सवाल भी रखा था कि इसके पहले भी गांव वालों ने परेशान होकर बहिष्कार की बात कही थी, तो जिस तरह से हम किसान भाइयों से चर्चा कर रहे हैं, जी बताइए राघवेंद्र जी। प्रेम शंकर जी ने जितनी भी बातें कही, आप उनकी सारी बातों से संतुष्ट हैं या नहीं, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आप। उन्होंने कहा राशि का वितरण हाँ नुकसान के आधार पर किया जाता है कि कितनी राशि किस किसान भाई को मिलेगी। ऐसा है कि हम तो ये चाहते हैं कि हम तो का जो बीमा है हमारे ग्राम के साइड के ग्राम में 10,000 रुपए एकड़ के साथ बीमा है ना, और हम लोग का 200 से 1,000 रुपए एकड़ के साथ बीमा आया, तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम हम लोगों को ज्यादा नहीं तो 10,000 रुपए एकड़ के हिसाब से तो हम लोगों को बीमा मिले। यही बात तो यही बात प्रेम शंकर जी तक पहुँचानी थी। राघवेंद्र जी, जो बात आपने बैनर पे लगाई जिसके लिए आपने बहिष्कार किया, और एक बार नहीं, ये इन कई अलग अलग तरह की समस्याओं से आप लोग घिरे हुए हैं, जिसको लेकर पहले भी बहिष्कार किया गया था, यानी समस्या का समाधान तो नहीं निकला, समस्या बदल जाती है, बस हर बार आप लोगों की समस्या बदल जाती है, लेकिन जनप्रतिनिधि शायद कोई हल नहीं निकाल पाते। जब क्या प्रेम शंकर जी इससे पहले कभी आपके गांव में आए हों, इसके पहले जब बहिष्कार की बातें उठी थी, इसके पहले भी इस तरह की बातें बैनर में आई थी सामने, तो क्या तब मिलने आए थे वो? जी जी जी, देखिए विधायक महोदय जी को शायद यहाँ ग्राम रतवा बैनर का भी पता नहीं है। मतलब हम लोगों का चलिए हम उम्मीद ये करते हैं आपसे राघवेंद्र जी कि हम पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे। हमने खबर चाहे सीधे तौर पर कहें या फिर नाराजगी के तौर पर कहें, आपकी बात को हमने तो पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। अब देखते हैं खबर भारत की असर का जो असर है वो कितनी जल्दी होता है, और शायद बहुत जल्दी ये बैनर हटे और आपकी समस्या का समाधान हो। फिलहाल के लिए हमसे जुड़ने के लिए राघवेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम प्रेम शंकर जी भी, विधायक साहब का भी शुक्रिया करना चाहेंगे, वो जितनी देर भी हमसे जुड़े और हमसे चर्चा की। तो फिलहाल के लिए बीमा नहीं तो वोट नहीं, और देखते हैं समय के आधार पर बीमा की राशि उन तक पहुंच पाती है या फिर वाकई बहिष्कार की जो चेतावनी दी गई है वो उस पर खरा उतरेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। We'll be right back.